नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम ग्राफ थ्योरी का सेकंड पार्ट सीखेंगे। आइए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। सर्वप्रथम ट्री क्या होता है, कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं यह सीखेंगे। बाइनरी ट्री, स्पानिंग ट्री के बारे में सीखेंगे। मिनिमल स्पानिंग ट्री निकालने की एल्गोरिथम सीखेंगे। ग्राफ को मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है यह सीखेंगे। ग्राफ कलरिंग क्या है, क्रोमेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है तथा यह कैसे निकाला जाता है यह सीखेंगे। ट्री, ट्री एक कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें कि कोई भी सर्किट नहीं होता। यहाँ पर उदाहरण में अलग अलग वर्टिसेस n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 के लिए ट्री दिखाए गए हैं। किसी ट्री में एक एज से जुड़े हुए ऊपर वाले वर्टेक्स को पेरेंट तथा नीचे वाले वर्टेक्स को चाइल्ड वर्टेक्स कहते हैं। कोई ट्री रूटेड ट्री कहलाएगा यदि किसी एक वर्टेक्स को रूट की तरह मान लिया जाए। हम किसी भी वर्टेक्स को रूट मान सकते हैं। यहाँ दिखाए गए ग्राफ में दो अलग अलग रूटेड ट्री आप देख रहे हैं। बाइनरी ट्री, कोई ट्री बाइनरी ट्री कहलाएगा यदि उसमें हर एक वर्टेक्स की अधिकतम दो ही चिल्ड्रन हो। कोई बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा यदि उसमें केवल एक वर्टेक्स ऐसा हो जिसकी डिग्री 2 तथा बाकी सारे वर्टिसेस की डिग्री 1 या 3 हो। दिखाया गया ग्राफ एक फुल बाइनरी ट्री को प्रदर्शित करता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री, कोई बाइनरी ट्री कंप्लीट कहलाएगा यदि उसके बीच कि हर एक लेवल पर हर वर्टेक्स के दो दो चिल्ड्रन हो तथा अंतिम लेवल में जितना संभव हो सके सारे वर्टिसेस बाईं तरफ होने चाहिए। स्पानिंग ट्री, माना कि जी वी कोई एक ग्राफ है, ऐसा ट्री जो कि ग्राफ जी का सब ग्राफ हो तथा ग्राफ जी के सभी वर्टिसेस उसमें हो, वह स्पानिंग ट्री कहलाता है। कोई एज जो कि स्पैनिंग ट्री में हो वह ब्रांच कहलाती है तथा ग्राफ की ऐसी एज जो स्पैनिंग ट्री में नहीं है वह कॉर्ड कहलाती है। यहाँ पर एक ग्राफ तथा उसके दो स्पैनिंग ट्री दिखाए गए हैं। इसके अलावा भी इसमें दूसरे और स्पैनिंग ट्री संभव हैं। किसी ग्राफ में मिनिमल स्पैनिंग ट्री का अर्थ यह है कि ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसकी सभी एजेस के वेट का योग न्यूनतम हो। अब हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री को निकालने की विभिन्न एल्गोरिथम्स देखेंगे। सर्वप्रथम हम क्रुस्कल्स एल्गोरिथम देखते हैं। माना कि जी कोई ग्राफ है जिसमें एन वर्टिसेस तथा ई एजेज हैं। यदि डब्ल्यू आई किसी ई आई एज का वेट हो तो इस एल्गोरिथम को हम इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम हम सभी एजेज को उनके वेट के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। अब हम एक एक कर एजेस को लेते रहते हैं। यदि कोई एज सर्किट बना रही हो तो उसे छोड़ देंगे। एजेस को तब तक लेते रहते हैं जब तक सारे के सारे वर्टिसेस को हम ले ना लें। इस प्रकार से करते रहने पर हमें एक स्पैनिंग ट्री प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण में आप देख रहे हैं कि हमने एजेस को उनके वेट के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है तथा एजेस को एक एक कर बताए गए नियमानुसार सेलेक्ट करने पर हमें दिखाया गया मिनिमल स्पैनिंग ट्री प्राप्त होता है। अब हम ट्रिम्स एल्गोरिथम देखेंगे। माना कि जी कोई ग्राफ है जिसमें एन वर्टिसेस तथा ई एजेज हैं। यदि डब्ल्यू आई किसी ई आई एज का वेट हो तो इस एल्गोरिथम में हम एक एन बाई एन का मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन लिखते हैं जिसमें एलिमेंट ए आई जे एज वी आई वी जे का वेट दिखाता है। हम प्रथम रो में मिनिमम एलिमेंट को लेते हैं तथा उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है उस एज को सेलेक्ट कर लेते हैं। माना कि पहली रो में मिनिमम एलिमेंट kth कॉलम में है तो हम v1 vk एज को सेलेक्ट करेंगे। अब हम पहली तथा kth रो में मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। माना कि दोनों रोज में मिनिमम एलिमेंट पहली रो तथा pth कॉलम में है तो हम v1 vph को सेलेक्ट करेंगे। यहां पर हमें यह ध्यान रखना है
यदि मिनिमम एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को यदि हमने पहले ले लिया हो तो उसे दोबारा नहीं लेंगे तथा उसके अगले मिनिमम एलिमेंट को देखेंगे। इस तरह हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे जब तक कि सारी रोज हम कवर ना कर लें। इस प्रकार से सारे वर्टिसेस कवर हो जाएंगे तथा हमें एक मिनिमल स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा। यहाँ पर दिखाए गए ग्राफ में हमने पहले एक मैट्रिक्स बनाया है तथा सर्वप्रथम AC, फिर AD, फिर DB तथा अंत में BE को सिलेक्ट किया। इस प्रकार से हमें दिखाया गया मिनिमल स्पैनिंग ट्री प्राप्त हुआ। अब हम ग्राफ को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इंसिडेंस मैट्रिक्स, माना कि G कोई ग्राफ है जिसमें n वर्टिसेस तथा e एजेस हैं। इस ग्राफ का इंसिडेंस मैट्रिक्स AG इक्वल AIJ n बाय e होगा। यहां पर रो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रही है तथा कॉलम एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एलिमेंट AIJ का मान 1 होगा यदि jth एज ith वर्टेक्स पर इंसिडेंट हो अथवा 0 होगा। यहां पर उदाहरण में आप एक ग्राफ तथा उसका इंसिडेंट मैट्रिक्स देख रहे हैं। क्योंकि हर कोई एज सिर्फ दो ही वर्टिसेस पर इंसिडेंस हो सकती है, अतः हर एक कॉलम में 1 केवल दो ही बार आ सकता है। सर्किट मैट्रिक्स, माना कि जी कोई बिना किसी सेल्फ लूप का ग्राफ है जिसमें एन वर्टिसेस, ई एजेस तथा एम सर्किट बन रहे हैं। इस ग्राफ का सर्किट मैट्रिक्स BG इक्वल BIJ n बाय e होगा। यहां पर रो सर्किट्स को रिप्रेजेंट कर रही है तथा कॉलम एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एलिमेंट BIJ का मान 1 होगा यदि jth एज ith सर्किट में हो अथवा 0 होगा। यहां पर उदाहरण में आप एक ग्राफ तथा उसका सर्किट मैट्रिक्स देख रहे हैं। यहां पर तीन दिखाए गए सर्किट बन रहे हैं जिनके लिए मैट्रिक्स लिखा गया है। कट सेट मैट्रिक्स, माना कि जी कोई बिना किसी सेल्फ लूप का ग्राफ है जिसमें एन वर्टिसेस, ई एजेस तथा एम कट सेट्स बन रहे हैं। इस ग्राफ का कट सेट मैट्रिक्स CG इक्वल टू CIJ m बाई e होगा। यहां पर रो कट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है तथा कॉलम एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एलिमेंट CIJ का मान 1 होगा यदि jth एज ith कट सेट में हो, अन्यथा 0 होगा। यहां पर उदाहरण में आप एक ग्राफ तथा उसका कट सेट मैट्रिक्स देख रहे हैं। यहां पर 7 दिखाए गए कट सेट्स बन रहे हैं जिसके लिए मैट्रिक्स लिखा गया है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, माना कि जी कोई बिना किसी पैरेलल एजेस का ग्राफ है जिसमें एन वर्टिसेस हैं। इस ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू XIJ n बाई n होगा। यहां पर रो तथा कॉलम वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एलिमेंट XIJ का मान 1 होगा यदि आयत तथा jth वर्टेक्स के बीच में एक एज हो अथवा 0 होगा। यहां पर उदाहरण में आप एक 5 वर्टिसेस का ग्राफ तथा उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स देख रहे हैं। ग्राफ कलरिंग, ग्राफ कलरिंग का अर्थ ग्राफ के वर्टिसेस, एजेज या फिर रीजन्स को कलर करने से है। किसी ग्राफ के वर्टिसेस को कलर करना प्रॉपर कलरिंग कहलाता है। यदि कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस समान कलर के ना हो। क्रोमेटिक नंबर, किसी ग्राफ को प्रॉपरली कलर करने के लिए आवश्यक न्यूनतम कलर्स की संख्या को उस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर कहते हैं। दिखाए गए ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर 2 है क्योंकि यहां पर V1 तथा V3 को एक सा कलर दिया जा सकता है। क्रोमेटिक पार्टिशनिंग, यदि किसी प्रॉपरली कलर्ड ग्राफ में हम एक समान कलर के सभी वर्टिसेस को एक साथ रखें तो यह सेट ऑफ वर्टिसेस में एक पार्टीशन बनाता है जिसे हम क्रोमेटिक पार्टीशन कहते हैं। दिखाए गए ग्राफ में सेट ऑफ वर्टिसेस के दो सबसेट्स बन रहे हैं जो कि पार्टीशन बना रहे हैं। क्रोमेटिक पॉलिनोमियल, माना कि GVE n वर्टिसेस का ग्राफ है। यदि लैम्डा कोई एक लार्ज नंबर हो तो क्रोमेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ जी को लैम्डा या उससे कम कलर से
प्रॉपरली कलर करने के तरीकों को देता है। इसे हम पी एन लैम्डा इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एल्फा आई लैम्डा सी आई लिखते हैं, जहां पर एल्फा आई आई कलर से ग्राफ को प्रॉपरली कलर करने के तरीके तथा लैम्डा सी आई लैम्डा में से आई कलर्स सेलेक्ट करने के तरीके हैं। किसी भी कंप्लीट ग्राफ का क्रोमेटिक पॉलिनोमियल पी एन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा लैम्डा माइनस वन लैम्डा माइनस टू अप टू लैम्डा माइनस एन प्लस वन होगा। कंप्लीट ग्राफ में हम किसी एक वर्टेक्स से प्रारंभ करें तो उसे हम लैम्डा कलर दे सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में सभी वर्टेक्स एक दूसरे से एज द्वारा जुड़े हुए हैं, अतः दूसरे वर्टेक्स को लैम्डा माइनस वन कलर से कलर कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहने पर nth वर्टेक्स को हम केवल लैम्डा माइनस एन प्लस वन कलर से कलर कर सकते हैं। आप किसी ट्री के लिए क्रोमेटिक पॉलीनोमियल निकालें तो पहले रूट वर्टेक्स के लिए लैम्डा कलर्स, लेवल वन के सभी वर्टिसेस के लिए लैम्डा माइनस वन कलर्स तथा लेवल टू के सभी वर्टिसेस के लिए फिर से लैम्डा माइनस वन कलर्स आवश्यक होंगे, क्योंकि यहां पर आप रूट वर्टेक्स के कलर को फिर से लेवल टू के वर्टिसेस के लिए रिपीट कर सकते हैं। अतः किसी ट्री का क्रोमेटिक पॉलिनोमियल लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस वन रेज पावर एन माइनस वन होगा। इस लेक्चर में हमने ट्री तथा इसके विभिन्न प्रकार सीखे। स्पैनिंग ट्री क्या होता है यह सीखा, किसी भी ग्राफ में मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालना सीखा, किसी ग्राफ को मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करने के विभिन्न तरीके सीखे, अंत में ग्राफ को कलर करने का अर्थ तथा इसके तरीके सीखे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज का अंतिम लेक्चर था। आशा है कि आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के विभिन्न कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।